पानीपत में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते आए दिन शहर में जगह जगह पर चोरियां हो रही है। लाख कोशिशों के बाद भी चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पुलिस अभी बीते दिनों शहर के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक देवी मंदिर में हुई चोरी की जांच में जुटी हुई थी कि चोरों ने स्वर्णकार संघ और प्रताप बाजार व्यापार मंडल के प्रधान चंद्र सहगल के घर से लाखों रुपए की ज्वेलरी और नकदी चोरी कर पुलिस को चुनौती दे डाली है। आपको बता दें कि इस दौरान परिवार बेटी के घर लोहड़ी मनाने के लिए गया था, तभी पीछे से चोरों ने इस वारदात को अंजाम दे डाला। बीती रात हुई इस चोरी की घटना में एक चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है, जो घर के आंगन में खड़ा है। उसने मंकी कैप पहनी हुई है। संभावना है कि उसके अन्य साथी भीतर चोरी कर रहे थे और वह बाहर पहरा दे रहा था। मकान मालिक चंद्र सहगल ने बताया कि बीती रात वह लोहड़ी मनाने बेटी के घर फरीदाबाद गए हुए थे। हालांकि रात को ही वह वहां से घर के लिए निकल गए थे, लेकिन रास्ते में धुंध के चलते सुबह 5 बजे अपने घर पानीपत पहुंचे। जैसे ही घर में पहुंचे तो सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि चोर उनकी पत्नी और पुत्र वधु के सारे जेवरात और नकदी चुरा कर ले गए। बता दें कि चोरी की सूचना मिलते ही पूर्व विधायक रोहित रेवड़ी के पति सुरेंद्र रेवड़ी भी मौके पर पहुंचे। यहाँ फरीदाबाद गए थे, उनके लोहड़ी का प्रोग्राम था, तो हमारा रात को आने का प्रोग्राम था। हम कल शाम को निकले थे, तो रात को हम वापसी वहाँ 11 बजे चल पड़े। हमारे उम्मीद थी कि 1-1.5 बजे तक हम पहुँच जाएंगे, लेकिन धुंध की वजह से हमें आते आते बहुत टाइम लग गया, जो कि हम सुबह 5-6 बजे के लगभग हम पानीपत पहुँचे। तो इस दौरान चोरों ने रात का घर पर ना होने का फ़ायदा उठाकर सारा सामान, जो भी मेरी पत्नी का और मेरी पुत्र वधू का सामान था, वो जेवर थे, चांदी था, कैश था, वो सारा उठा कर ले गए। ऐसा जो भी उनका दहेज का सामान था, कुछ हमारा भी था, काफ़ी टाइम पहले का था, कड़े वगैरह थे, ब्रासलेट थे, झुमकी थी, बड़े चोकर सेट थे, वो ले गए। जो उन्होंने इकट्ठा किया था औरतों ने, वो सारा ले गया। नुकसान हुआ होगा, मतलब अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहता, अभी हम देख रहे हैं कितना टोटल कितना हमारा नुकसान हो चुका है। कंप्लेंट कर दी है? हाँ, पुलिस में अभी कंप्लेन कर दी हमने। देखिए, चोरी की जो वारदात है निरंतर पहले काफ़ी समय से ही शहर के अंदर हो रही थी, और पानीपत के सुप्रसिद्ध यहाँ पर जो ज्वेलर्स हैं, बादशाह ज्वेलर्स के नाम से मेरे मित्र हैं चंद्र सहगल जी, तो आज सुबह शहर में सबको पता चला कि ऐसे ऐसे लाखों रुपए की चोरी हुई है, और विस्तार में तो चंद्र ही बताएंगे कितने की हुई है, और परंतु चोरी जो हुई है बहुत मोटी चोरी हुई है। और यही कहूँगा कि पिछले दिनों में आपने साईं बाबा जी के मंदिर में भी चोरी हुई है, और बहुत ही, और देवी मंदिर पावन पवित्र स्थान है वहाँ पे भी चोरी हुई है। हम तो कहेंगे जो इस शहर के अंदर चोरियाँ हुई हैं, तो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, MLA साहब हैं, सांसद महोदय हैं, उनको यही कहूँगा कि थोड़ा सा सख्ती से ढीलापन यहाँ पर मत बरतें, और जो यहाँ पर लोगों के बीच में चोरियाँ हो रही हैं, क्राइम हो रहा है, उस पर थोड़ा सा रोक लगाने के लिए मैं तो यही कहूँगा कि उनको करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। मैं यही कहूँगा ना, जनप्रतिनिधि होता है वो मालिक होता है, तो मैं तो यही कहूँगा कि जो MLA साहब हैं, सांसद महोदय हैं, अगर उनको चुनाव से फुर्सत मिल गई हो तो थोड़ा वो शहर भी संभाल ले जो है जी। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.